बुलेटिन की खबरों के साथ मुंबई से इस वक्त खबर मिल रही है, जहां बॉलीवुड में एक बार फिर से ड्रग्स कनेक्शन का मामला सामने आया है, सुर्खियों में आया है। एनसीबी ने निर्माता निर्देशक फिरोज नाडियावाला को एक समन भेजा है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को भी समन भेजा है। बता दें आपको कि करिश्मा प्रकाश को भी समन भेजा है, मंगलवार को पेश होने के आदेश दिए हैं। एनसीबी ने ये फिरोज नाडियावाला को समन भेजा है, हालांकि उनकी पत्नी को जरूर गिरफ्तार किया है, ये भी खबरें मिल रही है। छानबीन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर से ड्रग्स बरामद किए हैं, और इस सिलसिले में एनसीबी ने फिल्म प्रोड्यूसर की पत्नी शबाना सईद को मुंबई स्थित उनके घर से दो गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फिरोज को भी सोमवार के लिए समन भेज दिया है, उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। कुल चार लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी ने अवैध नशीले पदार्थ रखने के संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 717 ग्राम गांजा, करीब 74 ग्राम चरस और 95 ग्राम MD बरामद किया है। इसके अलावा कई सारे रुपए भी बरामद हुए हैं। कल शनिवार शाम को छापेमारी हुई थी और अब समन भेजा गया है।